नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं अमित सिंह। आज देश आजादी का जश्न मना रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और यहां पर झंडा तोलन को लेकर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर में यहां पर झंडा तोलन होगा और जो यहां के जवान हैं वो सलामी देंगे। हमारे कुछ कोरोना योद्धा हम उनको बोलेंगे, तो ये बेसिकली हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं जो डे इन डे आउट सैंपल्स लिए हैं, लोगों की जांच किए हैं। उसके अलावा जब कोई बीमार होता था तो उसको पटना ले जाना या उसके घर से सैंपलिंग सेंटर तक लाना, तो EMT और एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, उन लोगों को हम लोगों ने आज फिलहाल सम्मानित किया है। स्वतंत्रता दिवस पर सारे देशवासियों को, राजवासियों, सिवानवासियों को हमारे अपने बिहार पे और बिहार ऑफ सिवान पुलिस बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग मिल के समाज में और आगे बढ़ेंगे और अभी जो कोरोना काल है, कोरोना संक्रमण का जो ये COVID-19 का जो फेज है, हम सब मिल के एकजुटता से इसका भी मुकाबला करेंगे। चौहत्तरवीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से सिवान नगर वासी बंधु भगनियों को बधाई देता हूँ कि लोग कोरोना महामारी की चपेट में हैं, इसलिए जो उत्साह है इस अवसर का उसमें कुछ फीकापन जरूर है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामना देता हूँ। कोरोना मिटेगा, सारे संकट मिटेंगे, देश तरक्की करेगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा। लक्ष्य मानव कल्याण सोसाइटी सिवान के द्वारा जो है कोरोना वॉरियर्स जैसे स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, इन लोग के जो है सम्मान और उत्साहवर्धन के लिए जो है संस्था द्वारा एक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 11 मीटर लंबा तिरंगा का जो है यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। वो JP चौक से हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय गान करते हुए और उसको थाना रोड, शांति वन वृक्ष और सोना टोली, कागजी माला होते हुए और गांधी मैदान में इसका समापन हम लोग करें। और जैसे हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, उस तरह आज अपनी अंग्रेजियत मानसिकता से आज़ाद होने का समय है और आत्मनिर्भर बनने का भी समय है, इसलिए हम लोग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। Thank you.
सिवान वासियों को, बिहार वासी, भारत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के वीर शहीदों को मैं सत सत नमन करता, और हम संकल्प लें कि हम अपने ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे। आज़ादी सबको मिलनी चाहिए और सबके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम यही कहेंगे कि सब लोग आपस में प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, और अपने जीवन में अपने को बचाएं और दूसरे को बचाने का संकल्प लेना है, और देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए हम सभी को संगठित होकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। देखिए, पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। आजकल कोरोना का महामारी फैला हुआ है, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अवश्य करें और गैदरिंग होने से बचें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि जो हमारे शहीद हुए हैं देश पे, जो बॉर्डर पे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों के लिए कुछ किया जाए, उनके परिवार वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवार वाले मारे मारे फिरते हैं, तो उनके परिवार वालों को खासकर इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है, इस पे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, जो हमारे सोशल वर्कर शहीद हुए हैं, उनको स्पेशल कुछ सरकार की तरफ से रिलीफ मिलना चाहिए। 15 अगस्त की शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, कि कोरोना से हमारी जंग, इस जंग को निर्णायक रूप से हमको इस पर विजयी होना है, जीतना है और मानवता की रक्षा करना है। चीन, तुम समझ जाओ, तुम्हारी बीमारी तो हम झेल रहे हैं लेकिन तुम्हारी बेईमानी हम नहीं झेलेंगे। मुझे यूं कह लेने दीजिए कि आन बान शान क्या लोगे, आन बान शान क्या लोगे, तुम मेरा इम्तिहान क्या लोगे, ये मुल्क है शहीदों का, बच्चा बूढ़ा जवान क्या लोगे। हम स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा आज सोसाइटी के माध्यम से आज हम अपने कार्यालय पे झंडा तोलन किया, और साथ ही साथ सभी लोग तो झंडा फहराते ही, लेकिन हम लोग झंडा फहराने के साथ साथ पूरे सारे उस गरीब परिवारों की भी हमने मदद पहुँचाई। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर वन ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।